हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने चैनल मुस्कान इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में। दोस्तों, मैं जुल्फ़िकार आपको आज एक ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ। काफ़ी लोग हमारे बीच ऐसे हैं और वो हमसे बातचीत करते करते कभी कभी ऐसा फील कराते हैं कि मैं ही हूँ जो सब सारी बातें जानता हूँ। तो दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे सामने वाले की बात को सुन लेना चाहिए। ये पर्सनालिटी का एक हिस्सा भी है दोस्तों, कि हमें सामने वाले को सुनना चाहिए, उसके बाद पॉज ब्रेक, उसके बाद ही उसे जवाब देना चाहिए। कभी कभी हमारा ज्ञान उनसे ज़्यादा होता है, फिर भी हमें उन्हें सुनना चाहिए। क्यों सुनना चाहिए, आइए मैं आपको एक कहानी की तरफ लेकर चलता हूँ और उस कहानी के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ऐसा क्यों। दोस्तों, एक बार एक कुएं में एक मेंढक रहा करता था और वो कुआं एक समुद्र से जाकर मिला करता था। उस समुद्र में एक मछली रहा करती थी। दोस्तों, वो मछली बहते 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 एक दिन उस कुएं में आके पहुँचती है। होता क्या है, वो उस मेंढक से मिलती है। मेंढक कहता है, मैं इस कुएं का राजा हूं और तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। मछली कहती है, जरा सा पानी है, तुम इतना ज़्यादा घमंड दिखा रहे हो, आखिर ऐसा क्यों। कहता है कि ये मैं इस कुएं का राजा हूं और मैं इतने ज़्यादा पानी में रहता हूं, तुमने तो इतना पानी देखा भी नहीं होगा। मछली बात सुनती और हंसती है, कहती, मैं जहां से आई हूं ना, वहां पे बहुत सारा पानी है। मेंढक कहता है, अपने हाथ को फैलाता और कहता है, क्या इतना पानी है। मछली कहती, नहीं, इससे भी बहुत ज़्यादा। अब मेंढक कहता है, क्या इतना पानी है। मछली कहती, नहीं, इससे भी बहुत ज़्यादा। अब मेंढक ने अपने पूरे हाथ को फैला लिया और उसके बाद उससे पूछता है कि क्या इतना पानी है। अब मछली कहती, नहीं, इससे बहुत ज़्यादा पानी, इतना ज़्यादा पानी कि तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। मेंढक कहता है, तुम झूठ बोल रही हो। मेंढक कहता है कि तुम झूठ बोल रही हो, क्योंकि इससे ज़्यादा पानी तो होता ही नहीं है। अब दोस्तों, यहाँ पर मछली अपनी जगह सही है और मेंढक अपनी जगह सही है। क्यों, क्योंकि आज से पहले मेंढक ने इतना सारा पानी देखा ही नहीं था और मछली जहाँ से आई थी उसने उतना सारा पानी देखा था कि वो इस छोटे से जल को बहुत छोटा समझती थी। तो दोस्तों, होता क्या है कि कभी कभी हम सही रास्ते पर होते हुए भी हम लोगों को गलत साबित करते रहते हैं। ठीक है, अब मेंढक और मछली के संवाद में आगे बढ़ जाते हैं। मछली कहती है कि देखो मेंढक राजा, मेंढक दोस्त, आप मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें दिखाती हूँ मेरे समुद्र में बहुत सारा पानी है। मेंढक कहता है, मैं क्यों जाऊँ आपके साथ, आखिर मैं अपने पानी में खुश हूँ, ठीक है, और मैं इसी में ही रहूँगा। मछली कहती, कोई बात नहीं, मैं जा रही हूँ, अगर आपको चलना है तो आप मेरे साथ चल सकते हो। वो मछली चली जाती है और वो मेंढक वहीं का वहीं रह जाता है। दोस्तों, अब यहाँ पर एक चीज़ और सीखने को मिलती है कि कभी कभी हमें जो हमारे सद्बुद्धि देने वाले व्यक्ति होते हैं, जो हमारे सद्मार्ग को दिखाने वाले व्यक्ति होते हैं, हम उनका अनादर कर देते हैं, हम उनका तिरस्कार कर देते हैं। और दोस्तों, हमें उनकी बातों को मानना चाहिए। जैसे हमारे बीच हमारे शिष्य हो, हमारे शिक्षक होते हैं, शिक्षक और शिष्य के बीच में एक बहुत ही गहरा संबंध होता है, लेकिन आजकल के शिक्षक और आजकल के शिष्य में वो बातें नहीं रही हैं। दोस्तों, कभी कभी मन द्रवित हो जाता है इन सब चीज़ों को सोच कर कि एक शिक्षक और एक स्टूडेंट के बीच में जो पहले तालमेल हुआ करते थे वो अभी क्यों नहीं। क्योंकि दोस्तों, अभी के संस्कार, अभी के जो माहौल हैं, उस चीज़ में हम शिक्षक को मात्र इतना रोल देने लगे हैं कि वो शिक्षक एक विषय का टीचर है, वो एक विषय को पढ़ाएगा और उसके बाद उसका रास्ता अलग है और मेरा रास्ता अलग है। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। आज भी समाज में कई सारे ऐसे शिक्षक मौजूद हैं, आज भी समाज में कई सारे ऐसे शिष्य मौजूद हैं जो एकलव्य और द्रोणाचार्य जैसे विचारों को पालन करते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब आपको शिक्षक एक सही रास्ते पर ले जाना चाहे तो आप उसके पीछे पीछे अनुसरण करें। दोस्तों, हमारे स्टूडेंट ऐसा करने लगते हैं, अरे गुरुजी का इसमें कोई फ़ायदा होगा, अरे गुरुजी तो इतनी सारी बातें बोल रहे हैं तो आखिर क्यों बोल रहे हैं, हम अगर इतने ही सफल हैं तो खुद क्यों नहीं सफल हो पाए। बिकॉज दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, वो शिक्षक जो होता है वो फेल होता है, इसीलिए तो आपके बीच में आता है और आपके बीच में आकर के आपके लोगों को उठाने की कोशिश करता है। शिक्षक सिर्फ एक विषय का महारथी होता है और आपको वो शिक्षक अपने विषय में महारथी बनाता रहता है, दूसरा शिक्षक दूसरे विषय में महारथी बनाता है, तीसरा शिक्षक तीसरे शिक्षक तीसरे विषय में महारथी बनाता है। और इस प्रकार से दोस्तों, प्रत्येक शिक्षक अपने अपने विषय में उस लड़के को, उस बच्चे को, उस शिष्य को महारथी बना देता है।
दोस्तों, इसीलिए अपने शिक्षक का हमेशा आदर करें, सम्मान करें और उन्हें हमेशा उनके विचारों को सुने, उनके विचारों पर चलने की कोशिश करें। हर शिक्षक आपको आगे बढ़ाने के बारे में ही सोचता है, इसलिए शिक्षक का सम्मान अवश्य करें।